सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरी रेसिपी देखने से पहले, मेक श्योर कि आप मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा एक चैनल गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। सेम हियर, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक्चुअली ना, हम घर पे व्रत के लिए चिप्स बना रहे हैं। आई थिंक सभी लोग बनाते होंगे, सबको पता भी होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके साथ मैं ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हम एक्चुअली कल बना चुके हैं एक बार, कल नहीं, दो दिन पहले, बट क्योंकि मैंने सोचा कि आज एक वीडियो भी हो जाएगा, व्लॉग भी हो जाएगा, तो बना लेती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मम्मी बनाने नहीं देती हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली मम्मी काम करती हैं, तो वो कहती मुझे मत ले वीडियो में, मुझे मत ले, है ना। और तो बस वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर चारपाई बिछाने आई हूँ, चारपाई लगाऊंगी बिकॉज वो धूप में सूखेंगे, तो वो एकदम से आके आपको भी यहाँ पे सुखाने पड़ेंगे, तो इससे पहले मैं चारपाई तैयार कर देती हूँ। चलिए तो चारपाई लगाते हैं। सबसे पहले गाइस, ये मैंने चारपाई लगा दी है और देखिए मैंने कितनी स्मार्टनेस दिखाई है। ये कपड़ों वाली जो वो होती है ना चिमटियाँ, वो मैंने इस पे लगा दी। एक बारीक सा कपड़ा आपको, हमने दुपट्टा बिछाया, आप कोई भी एक बारीक सा कपड़ा डाल दीजिए ताकि वो ना चारपाई से गंदे ना हो। बट अगर आप ऐसे भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कुछ भी बिछा सकते हैं, कुछ भी आपके पास तकत बैग व्हाटएवर इट इज, कुछ भी। आप नीचे भी एक अच्छा सा साफ कपड़ा, अगर आपकी छत पे बिल्कुल सफाई है तो डालिए, क्योंकि वह, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आप ऊपर ही किसी चीज पे करेंगे, क्योंकि छत पे जो डस्ट आता है वो गीले चिप्स में अगर लग गया तो दांतों में किरकिर करेगा, है ना। तो या चलिए फिर अब लाते हैं हम नीचे से चिप्स। सो गाइज, यहाँ पे मम्मी आलू छील रही हैं एंड ये देखिए वो एक पानी बॉक्स में डाल रही है इसको, पानी के पतीले में। एंड ये है वो मशीन जिससे हम चिप्स बनाएंगे। यस, तो यस, अभी मैं इसको अंदर किचन में रख के आती हूँ, वरना पूरा पानी बेड पे आ जाएगा। यस, हम इसमें और साफ पानी डाल रहे हैं ताकि इन्हें बार बार धो लें हम। अब मम्मी एक एक आलू धोने के बाद बाहर निकाल रही हैं। यस, अब मम्मी इनके बना रही हैं चिप्स। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना, पर मम्मी मुझे करने नहीं देती हैं बिकॉज उन्हें लगता है मैं हाथ काट लूँगी अपना। ऐसा है नहीं वैसे। और ये रख दिया हमने पानी और इसमें डाल दिया हमने नमक। ये देखिए अब ये पूरे चिप्स, अब मम्मी इनको धोएंगी और ये तब तक देखिए पानी में उबाला आने लगा है। अब ये मम्मी धो के लाई हैं और ये चिप्स इसमें पानी में, उबले हुए पानी में, उबलते हुए पानी में डाल दिए हैं। यस, ये एक्चुअली पानी में ही बनते हैं और इसको जब आप पानी गर्म करने रखेंगे, इसमें आप अकॉर्डिंग, मतलब देख के नमक डाल दें कि जितने चिप्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर दें। ये देखिए बाकी के चिप्स मम्मी धो रही हैं। यस 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 यस। अब इसे आपके पास जो भी कोई चमचा करछी कुछ भी होगी उससे आपको ये चलाने हैं। ये देखिए बार बार नहीं चलाने हैं, लेकिन बीच में एक दो बार आपको इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे ना और सारे चिप्स अच्छे से एक बराबर हो जाएं। ये देखिए अब ये बहादुरी का काम मैं कर रही हूँ। ये हाफ ऑलमोस्ट हो गए हैं, हाफ। अभी देखिए कुछ गलने लगे हैं, कुछ अभी नहीं हो पाए हैं। ये मेरी फालतू की मस्ती। एंड यस, नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन। तो ये अभी होने वाले हैं, बस थोड़ा सा बचा है। यस, अब इनको मम्मी निकाल रही हैं। ये देखिए ये हो गए हैं। अब अगर आप इनको सिंगल पकड़ेंगे तो ये आराम से टूट जाएंगे। बहुत सेफली करना है बिकॉज एक तो ये बहुत गर्म होते हैं, पानी भी बहुत गर्म होता है, और ये टूटने भी नहीं चाहिए। टूटने के बाद ये अच्छे नहीं लगेंगे ऑब्वियसली।
अब मैं इनको लेके ऊपर आ गई हूँ जहाँ पे इन्हें हमें धूप में सुखाना है। आज हवा बहुत तेज़ थी एक्चुअली, हमने बना लिया था वरना हम बनाते नहीं। अगर हवा इतनी तेज़ होती हम पहले से गैस कर पाते। मतलब मैंने तो ऑब्वियसली कर लिया था लेकिन मम्मी को मैंने नहीं बताया, और वो तब तक मैं नीचे गई भी उन्हें बताया तब तक वो काट चुकी थी मतलब आलू। ये देखिए मैंने ये थोड़े हाफ इसलिए कर लिए ताकि ये ठंडे हो जाए, है ना। अगर मैं इकट्ठे उसमें से करूँगी, अब इन्हें आपको वन बाय वन ईच आपको ऐसे अलग अलग रखने हैं, बिकॉज़ ये बहुत इस टाइम पे बहुत चिपचिपे हो जाते हैं। ये देखिए अगर आप इनको इकट्ठा ऐसे सुखाएंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे, तो आपको वन बाय वन सिंगल सिंगल छोटा मतलब चिपकाना है, चिपकाना नहीं है मतलब सुखाना है। ये देखिए ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। वन बाय वन आपको ये सुखाते रहना है। बस आपको ये मतलब अच्छे से कोशिश करनी है, अपने हाथ नहीं जलाने हैं, चिप थोड़े थोड़े स्पेस के साथ, और आपको ऐसे इनको करते जाना है। देखिए ये चिप्स मैंने पूरे सुखा दिए हैं, ये देखिए, ये विक्ट्री। सो नाउ मेरे चिप्स रेडी। ये काम तो हो गया, बस मैं नीचे जाने से पहले मैं क्या सोच रही हूँ दिखाती हूँ आपको। ये भी मेरे छोटे से गमले में ना ये दो अलग से प्लांट इसी के हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो मैं सोच रही हूँ इन्हें दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँ दो को, ताकि ना और हो जाए जो खाली है। देखिए तो ये खाली है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ ट्राई करके सब कम हो गया है, एंड बस अब मैं नीचे जा रही हूँ, मैं नहाऊंगी, ठक ठक शुरू हो गई है। देखो बस दैट्स इट फॉर टुडे, सब काम हो गया है। होप आपको मेरी ये चिप्स रेसिपी पसंद आई होगी, एक्चुअली मम्मी की, तो बस आप लोग भी ट्राई कीजिए ताकि बाहर से ना खरीदने पड़े, एंड बाहर वालों को पता भी नहीं है ना कि वो व्रत के हैं भी एग्जैक्टली या नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा,